नमस्कार दोस्तों, हम मजा मैकेनिक यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम बताएंगे कि जो बाइक यानी कुछ ऐसी बाइक है जो पुराने समय की हैं, जैसे स्प्लेंडर है, पैशन है, सीडी डीलक्स है, और फॉरेस्ट चैम्पियन, बॉक्सर, कैलीवर, और कुछ टीवीएस की गाड़ी जिसमें यानी लाख में चार वायर होते हैं, यानी एसी गाड़ी होती है। और जो डीसी होती हैं उनमें एम सीरीज के बल्ब लग जाते हैं, लेकिन जो एसी गाड़ी होती है उसमें कैसे बल्ब लगाते हैं, आज हम इसके लिए हम वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये एम सीरीज वाले जो बल्ब होते हैं, ये एम सीरीज के जो बल्ब होते हैं, इस तरीके से वो बल्ब यानी किस तरीके से लगाना है वो हम आपको आज बताते हैं। देखिए, इसमें लिखा है एम सीरीज, ठीक, वो एलईडी बल्ब जो इस तरीके से होते हैं, जिसमें पीछे फैन लगे होते हैं और एलईडी बल्ब होते हैं, क्योंकि ये डीसी होते हैं, डीसी इस तरीके से जलते नहीं, और जब डीसी नहीं जलते हैं तो उसको किस तरीके से करना डीसी बल्ब जल पाए। ठीक है, तो उसी लिए हमने क्या किया है, आज ये हमने बल्ब लिया है और उसके साथ साथ हमने चार रेक्टिफायर लिया है, 5408। ठीक, अब इसमें देखिए आपको समझ में आएगा 5408, देखिए कुछ थोड़ा सा कम समझ में आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा वैसे है ना, 5408 देखिए, ये 5408 यहाँ देखें, 5408 समझ में आ रहा, थोड़ा धुंधला सा, ठीक इस तरीके से है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इस तरफ प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ठीक, इधर डीसी होता है, उधर एसी। अब हमको क्या करना है, डीसी एक तरफ और एसी एक तरफ, इस तरीके से करना। ठीक, अब हमने इस तरफ देखिए डीसी ले लिया और इस तरीके से हमने एक तरफ एसी ले लेते हैं, यानी इस तरीके से दो लाइनिंग एक तरफ, दो लाइनिंग एक तरफ नहीं। ठीक, तो हमने ये डीसी ले लिया, इस तरीके से इसको हमको मोड़ देना है, यानी इस तरीके से ज्वाइंट कर देना है इसको, इस तरीके ज्वाइंट किया, और एक को हमने इस तरीके से ज्वाइंट किया एसी। ठीक है, एक तरफ डीसी साइड, एक तरफ एसी साइड, इस तरीके हमने ज्वाइंट कर दिया। ठीक, अब जिधर यानी लाइनिंग बनी है वो ये वाला हो गया, जिधर लाइनिंग बनी ये इधर डीसी हो गया। ठीक, अब इसको हमने चारों सीरीज कर दिया, यानी चारों अब ये सीरीज बन गया। ठीक, अब हम इसको इससे मोड़ देते हैं, यानी इस तरीके से। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों, जिधर यानी लाइनिंग बनी है वो सिरा ये हो गया, ठीक है, ये वाला। ठीक, और जिधर लाइनिंग नहीं बनी वो इधर हो गया। अब इधर हमको क्या करना है, आउटपुट लेना है और इनपुट देना है हमको इधर से, यानी एक तरफ प्लस माइनस इधर कर देना है, और इस साइड से हमको आउटपुट लेना है, और इधर भी अर्थिंग का तार लगाना है। ठीक, अब हम इसको कंडेंसर लगाते हैं। देखिए, जो कंडेंसर है मेरे पास, 4725 लगा दें या 4750 लगा दें, ठीक है, देखिए इसमें देखें 4725 वोल्ट, ठीक है, तो 4725 वोल्ट है। ठीक है, अब हमें जिधर यानी लाइनिंग बनी है, इधर जिधर छोटी डंडी होती है उधर होता है यानी माइनस, और इधर बड़ी डंडी उधर प्लस होता है। ठीक, अब हम माइनस प्लस करके इसको भी लगा देते हैं, इस तरीके से, जैसे प्लस माइनस हमने बताया था कि जिधर डीसी है डीसी लिखा हुआ कर दिया और एसी कर दिया जिधर नहीं लिखा हुआ। ठीक, उस तरीके से हमने एसी कर दिया, यानी जिधर अर्थिंग दे दिया, यानी इधर हमने अर्थ दे दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इधर तो यानी ये आउटपुट हो गया, अब इधर क्या है, एक एसी यानी देना है हमको। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जैसे ये बल्ब, ये गाड़ी है और इसमें हमने पहले से लगा दिया है, इसका हमने यहाँ से ये वायर जॉइंट यहाँ था, इसके हमने पीला वायर हमने निकाल दिया है, और पीला वायर के साथ साथ जो इसका पिंक वायर होता है इस वायर को भी निकाल दिया है, और उसके साथ साथ क्या होता है दोस्तों, जो इसका टंकी खोल करके उसका हमने ये भी निकाल दिया, देखें इधर, देखें इधर जो होता है ये वायर हमने पीला वायर, इधर देखिए ये पीला वायर हमने इसका निकाल दिया है, जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है। ठीक, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको किया है, ठीक, हम अच्छे से लगा सकें। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गया। अब हम देखिए इधर, इसमें हमने दो कंडेंसर लगाया, 4725 और 4750 का। ठीक, 4725 जो आता है वो 10 रुपये का अगर आता है
क्योंकि हर जगह के रेट अलग अलग होते हैं, ठीक। तो 4725 अगर 10 रुपए का, तो ये आएगा 30 रुपए का 4750, थोड़ा महंगा आता, ठीक। अब इसमें हमने क्या किया है, जो ये वायर लिया है हमने इधर इनपुट देते हैं, इधर साइड इनपुट देते हैं इधर साइड, ठीक है। दोस्तों बहुत लंबा वीडियो बन रहा था, इसलिए हमने छोटा वीडियो बनाना चाहा कि जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, इधर यानी इनपुट दे रहे हैं इधर से, और ये दो वायर हमने लिया है, देखिए ये दो वायर हमने अर्थिंग ले लिया, अर्थिंग इधर, ठीक। यानी हम जो इधर से दे रहे हैं वो दोनों इधर से एक तरफ यानी आउट इनपुट दे रहे हैं, एक तरफ करंट और एक तरफ प्लस यानी ग्राउंडिंग, ठीक। ग्राउंड यानी ये बॉडी में टच रहे, अर्थिंग हो गया, और इधर से हम करंट दे रहे हैं, और इधर से भी हम करंट यानी ये ग्राउंड इधर भी कर दिया, और इधर हम क्या करते हैं आउटपुट ले रहे हैं इस साइड से, यानी एक साइड से हमने आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। अब वो वायर इधर हो गया, देखिए दोस्तों ये इधर हो गया आउटपुट, जिधर यानी लाइनिंग बनी है उधर हमको आउटपुट लेना है। देखिए दोस्तों इधर आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर लाइनिंग इधर बनी है, इधर बनी, यानी इधर हमको आउटपुट लेना है, और जिधर लाइनिंग नहीं बनी है, एक तरफ अंदर साइड बनी है, एक तरफ बाहर साइड, ठीक है, तो उधर हमको इसको इनपुट देना है। इधर से हम इनपुट दे रहे हैं इस वाले वायर से, जो हेडलाइट को जाता है, यानी यहाँ से आता है, ठीक। और जो हेडलाइट को जा रहा वायर, वो हेडलाइट का स्विच का वायर ये होता है, यानी हेडलाइट स्विच का वायर ये होता है, तो उसको देखें, ये जो ये स्विच है हमने इधर से आउटपुट देते हैं, ठीक, जिससे कि आपकी हेडलाइट चल पाए, ठीक है। तो हम इधर से यानी हमने आउटपुट ले रहे हैं हेडलाइट के लिए, ठीक। ये हेडलाइट स्विच का वायर जा रहा है, देखिए ये इधर से हेडलाइट स्विच को ये वायर जाता है जो यहाँ पर जा रहा है, ठीक। अब ये इस तरीके से हो गया, अब आपको ये समझ में आ गया हो। और दो तार हमने जो अर्थिंग इधर साइड दे दिया है, बस ये अब हमें लगता है अब आपको समझ में आ गया हो जो हम समझाना चाहते थे, कि एक तरफ हमने इनपुट दिया और दूसरी तार आउटपुट ले लिया, और दोनों तार अर्थिंग लगा दिया, ठीक है। और दो आगे पीछे जो तार इधर यानी जिधर प्लस है माइनस है, उधर हमने अर्थिंग इधर साइड यानी ये वायर ये कंडेंसर लगा दिया, और इधर माइनस लगा दिया जिधर यानी प्लस, यानी इधर प्लस लगा दिया जिधर यानी हमको आउटपुट लेना है आउटपुट, ठीक है। तो इधर से हमने आउटपुट लिया और इधर से ये गया यहाँ पर, यहाँ वाले स्विच पर आ गया, यहाँ पर देखें दोस्तों ये वाले स्विच पर आ गया। अब स्विच पर हम अगर ऑन करते हैं तो क्या होता है, एक तरफ पार्किंग जलता है और एक तरफ क्या होता है कि हेडलाइट जलता है। तो अब हमने पार्किंग का क्या किया, पार्किंग कनेक्शन भी हमने हटा दिया, क्योंकि अगर हम इस पर ज़्यादा लोड देंगे तो ये ख़राब हो। देखिए पार्किंग कनेक्शन भी हमने हटा दिया इस तरीके से, और पार्किंग कनेक्शन का हमने क्या कर दिया, हेडलाइट से हमने जो इसका जो बैटरी से है उसका हमने कनेक्शन कर दिया, मीटर, बैकलाइट और पार्किंग लाइट, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया। अब हमने इससे क्या कर दिया, सिर्फ हेडलाइट के लिए ले लिया, ठीक। इस वायर को हम थोड़ा सा और पक्का कर दें, आउटपुट वाला, और बाद में हम इसको चारों तरफ टेप लगा देते हैं, ठीक है। और हम आपको दिखाते हैं अब कैसी रोशनी इसमें आती है, ठीक है। अब हमने इस तरीके से कर दिया, और अब गाड़ी स्टार्ट करके, क्योंकि हमने जो ये बल्ब एम सीरीज का लगाया है उसमें क्या होता है, यानी ये फैन लगा होता है, और इसमें ये चार वायर होते हैं, ये वायर से क्या होता है ब्लिंकिंग करता है, इसलिए वायर इस वायर को वायर को इस वाले वायर को नहीं लगाना है। और जो नीला तार जैसे हेडलाइट का कनेक्शन को होता है उसी तरीके से इसमें वायर बने हैं, तीन तार, एक अर्थिंग के दे दिया ग्राउंड हो गया, और इधर एक हाई का नीला वाला, और इधर लो का जो सफ़ेद वाला, ठीक है। और जो इसका मीटर का था, मीटर का हमने दे दिया दोस्तों, देखिए उसके लिए हमने एक स्विच और लगा दिया, देखिए स्विच ये पड़ा हुआ है, ये स्विच, ठीक। अब वो वायर हमने दे दिया ब्लैक वाले इधर से और एक इधर, यानी ये बैक लाइट और मीटर लाइट और पार्किंग लाइट के लिए इधर दे दिया, देखिए यहाँ लगा हुआ, ठीक है। अब देखें यहाँ लगा हुआ है, इससे जलाते हैं तो मीटर में लाइट जल गई, ठीक है, मीटर में लाइट जल गई, ठीक है ना, ये मीटर लाइट जल गई, हाँ देखें मंद हो गई, जल गई, ठीक, इस तरीके से काम कर रही होगी, ठीक है, ठीक है, ये बंद हो गई और ये जल गई, ठीक है ना। तो ये इसमें यानी ये लाइट जल रही, अगर हम दिखाना चाहें तो थोड़ा सा ऐसे करके दिखा दे, दोस्तों हम पूरी तरह दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये देखिए जल रही, ठीक है। तो ये
जल रही, ठीक है, हाँ समझ में आ गया। अब देखें, अब हम ये स्विच हम इसको यहाँ लगा दिया यहाँ पर, और जिस समय हमको यानी बैक लाइट लगाना जलाना है तो हमने इसको कर दिया बैटरी से, ठीक है। तो इसको हमने जिस तरीके से चाहे उस तरीके जला दिया, और अब हम इसको चाहेंगे कि हेडलाइट देखें, दिखाते हैं आपको इस तरीके से हेडलाइट में कनेक्शन करके, ठीक। हेडलाइट का देखिए, ये इसका लो है और ये हाई हो, ये लो और ये हाई, ठीक। ये इसका जो कनेक्शन है वो हमने लो और हाई पर किया है, और इस तरीके से हमने बिलिंग करने वाला हमने नहीं किया, ठीक। ये हाई वाला है और वो लो वाला, और हम थोड़ा सा इसको लाइट बंद करके आपको दिखाते हैं कि रोशनी कैसा होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हमने क्या किया है, जो इसकी रोशनी है वो हमने दिखाने के लिए हमने लाइट बंद कर दिया, ठीक है। और उसके अनुसार आप देखें, इसमें हम रेस भी नहीं दे रहे हैं, और फिर भी रोशनी देखिए इस तरीके से, यानी हम रोशनी इसको रेस नहीं दे रहे हैं कि गाड़ी को रेस दे रहे हो, तो उस तरीके से नहीं, और रोशनी देखिए इस तरीके से है, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको समझ में आएगा इस तरीके से आपको जो कनेक्शन करना है वो इस तरीके से आप आराम से कर पाएंगे, और इससे आपकी लाइट जो एम सीरीज वाली होती है उसको आप आराम से लगा पाएंगे, ठीक है। अब हम चाहेंगे लाइट जला कर तब फिर हम आपको दिखाते हैं, एक बार बता देते हैं। देखें दोस्तों, ये रोशनी इसकी है, और हम थोड़ा रेस लेते हैं, तो थोड़ी सी और रोशनी बढ़ जाती है, ठीक। इस तरीके से जो नॉर्मल गाड़ियों में आपको लगाना है, यानी जैसे जो जैसे पल्सर होती हैं, डिस्कवर होती हैं, तो इन सब बाइक में डीसी लाइट आ रही हैं, क्योंकि वो अगर हम गाड़ी की लाइट बंद करते हैं या स्विच ऑफ करते हैं तो वो कुछ सेकंड के बाद फिर बंद होती हैं। जैसे एक सीट बाइक होती है और पल्सर होती है, या इस समय और भी जो बाइक आ रही हैं बजाज की, उन सब में डीसी लाइट है, और उसमें आपको ये बल्ब लगाने में कोई आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन करना, उससे जल जाता है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, इसमें आपको एसी से कन्वर्ट करके डीसी में करके जलाएंगे, तब इसकी अच्छी सी लाइफ होगी। और बैटरी से लगाएंगे तो बैटरी लो हो जाती है, तो बैटरी लगा ना लगा करके, और जिस तरीके से हमने बताया कि पिंक वायर हटा करके, और इसको यानी जो बैक लाइट का मीटर लाइट का कनेक्शन वहाँ से दे करके इस तरीके से आप जलाएंगे तो आपकी रोशनी अच्छी रहेगी, और इसमें आपको किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। चाहेंगे कि आप हमारा जो वीडियो है वो आपको पसंद है, उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, हम आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारा वीडियो देखते हैं और लाइक करते हैं।